हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय फ्लेवर्स। आज हम मैंगो बर्फी बनाने जा रहे हैं। ये बर्फी बहुत ही टेस्टी होती है और इसे बनाने में हम फ्रेश मैंगो पल्प का यूज करेंगे। तो आइए जल्दी से इसे बनाना शुरू करते हैं। मैंगो बर्फी बनाने के लिए हम लेंगे 250 ग्राम पका हुआ मीठा आम, जिसे हम धोकर छीलकर छोटे पीसेस में काट लेंगे। 200 ग्राम या 1 कप फुल फैट मिल्क, 75 ग्राम या 1/3 कप खोया, 1/4 कप चीनी। चीनी आम की मिठास के हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। 2 इलायची का पाउडर, 1 चुटकी केसर और येलो फूड कलर। सबसे पहले हम मैंगो सॉस बना लेंगे। इसके लिए एक सॉस पैन में कटा हुआ मैंगो और चीनी डालकर लगातार चलाते हुए मीडियम से हाई फ्लेम पर मैंगो सॉफ्ट होने तक और चीनी डिसॉल्व होने तक पकाएं। एक बार मैंगो सॉफ्ट हो जाए तो मैंगोस को चम्मच या पोटैटो मैशर की सहायता से मैश कर लेंगे। सॉस को थिक होने तक पकाएं। जब सॉस की कंसिस्टेंसी जैम जैसी हो जाए तो गैस ऑफ कर दें और सॉस को ठंडा होने के लिए रख दें। बर्फी बनाने के लिए एक चौड़ा पैन लेंगे। पैन अगर नॉनस्टिक हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इस पैन में दूध डालकर हाई फ्लेम पर लगातार चलाते हुए उबाल आने तक पकाएं। एक बार उबाल आने पर दूध में केसर डाल दें और अब दूध को लगातार चलाते हुए मीडियम से हाई फ्लेम पर दूध के 1/4 रहने तक पकाएं। अब इसमें खोया ऐड कर दें। खोया को मैश करते हुए मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए पकाएं। लगभग 5 मिनट बाद जब खोया बिल्कुल भुन जाए और चिकनाई छोड़ने लगे, तब इसमें मैंगो सॉस ऐड कर देंगे और मिक्सचर को अच्छे से चम्मच से मैश करते हुए स्मूथ कर लेंगे। इस स्टेज पर आप मिक्सचर को टेस्ट करके चीनी एडजस्ट कर सकते हैं। फ्लेम लो से मीडियम करके मिक्सचर को थिक होने तक पकाएं। अब इस मिक्सचर में ड्राई फ्रूट्स की कतरनें और येलो फूड कलर की 8 से 10 ड्रॉप्स डाल दें और इसे 2 से 3 मिनट और पकाएं। जब मिक्सचर एक लंप जैसा हो जाए और शेप लेने लगे, तब इसमें इलायची पाउडर ऐड करें और अच्छे से मिक्स कर लें। गैस का फ्लेम ऑफ कर दें। बर्फी को सेट करने के लिए किसी मोल्ड या फिर इस तरह के किसी टिफिन बॉक्स के नीचे बटर पेपर लगा लेंगे और इसमें तैयार मिक्सचर डाल देंगे। मिक्सचर को दबाते हुए लेवल कर लेंगे। अब इसे कुछ देर रूम टेम्परेचर पर आने तक बाहर ही रहने दें और फिर सेट होने के लिए कुछ घंटों तक फ्रिज में रख दें। इस पूरे कुकिंग प्रोसेस में मुझे 25 से 30 मिनट लगे हैं और कुकिंग मैंने मीडियम से हाई फ्लेम पर करी है। लगभग 3 घंटे फ्रिज में रखने पर ये बर्फी अच्छे से सेट हो गई है। अब हम इसे अपनी पसंद के शेप और साइज में कट कर लेंगे। ये बर्फी थोड़ी सॉफ्ट होती है, इसलिए निकालने के बाद इसे एक बार हाथ से थोड़ा सा शेप कर लें। लीजिए, तैयार है हमारी होममेड मैंगो बर्फी। इसे बिना ढके फ्रिज में स्टोर करें। ये बर्फी ठंडी ही अच्छी लगती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी और रेसिपीज के लिए मेरी वेबसाइट को विजिट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ फ्लेवरफुल ईटिंग।